बाबा कितना ये आपका एक पाँव भी नहीं है, किस हालत में आप तो? आप देखिए आप किस हालत में होंगे, परेशानी की आप यहाँ 5 दिन में यहाँ पहुँचा में खूंटा में मेरा वैष्णो देवी दर्शन करने गया और 22 तारीख की लगभग लॉकडाउन लग गया, यहाँ बच्चे फंसे, मैं फंसा, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कम से कम 300-400 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। मुश्किल के हमें 4 दिन हो गए, मैं वहाँ से लगातार चल के आ रहा हूँ, तो जाते हम हमारे घर तक भी जाते, हमको छूट देते जाने के लिए, पैदल भी तो हम जाएंगे सर, बस मैं यही गुंजाइश को और ज्यादा ली। लखनपुर में जो बॉर्डर पे आप खड़े हैं, हाँ सर, तो लखनपुर वालों ने क्या बोला? नहीं, लखनपुर वालों ने निकाल दिया था सर, लेकिन वो पंजाब बॉर्डर वालों ने हमको बोला कि आप परमिशन लेके आओ, पास लेके आओ, तो हम निकाल देंगे आपको। तो पास के लिए हमने एसपी साहब से बात करी, एचओ साहब भी है, उनसे भी बात करी, वो भी हमको कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बोले बेटे बेटे रुको रुको, हम 4 दिन में गाड़ी करा देंगे। हम लोग सर आज 4th दिन बगैर खाए, एक टाइम भी हम भोजन मिला, उसके बाद भोजन नहीं मिला सर। और यहाँ आए जब हम लखनपुर, तो यहाँ की पुलिस बोलती है वहाँ परमिशन बनवाओ, और यहाँ की पुलिस बोलती है वहाँ बनवाओ, तो सर हम लोग बीच मझधार में फंस गए हैं, न जाने का रास्ता मिल रहा है किसी तरह, न किसी डिप्टी कलेक्टर या किसी एसओज का, किसी ने कोई हमसे कोई नहीं कह रहा कि तुम घर जा सकते हो। सर हम लोगों ने 120 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आकर के बुरा हाल हो गया सर। नहीं सर हमारा इजाज़त, हम तो जा सोच सकते हैं कि हमको घर पहुंचना जरूरी है। अभी 3 लॉकडाउन बढ़ गया, उसमें हमको यकीन नहीं हुआ, तो अभी 14 दिन में क्या यकीन होगा कि हमको रेल गाड़ी खुलेगा, हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बस का भी कोई बंदोबस्त नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग सुबह से देखिए सब घामे में बैठे हुए हैं, कोई पूछताछ वाला नहीं है, इधर जाते हैं तो पुलिस कहते हैं इधर जाओ, इधर जाते हैं तो ऊपर धूप लग रहा है, लॉकडाउन से अच्छा है कि हम लोग मर जाना है। परेशानी वाकई आ रही होगी कई जगह पे, हमारी कोशिश ये है कि देखिए लेबर ने अगर जाना है, मिसाल के तौर पर अगर लेबर बिहार के एक जिला की रहने वाली है, तो जब तक बिहार सरकार और बिहार का उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करता, उनका यहाँ से वहाँ उनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम उनको कैसे भेज दें? हमको फेंकने के लिए नहीं भेज देते, हम कम से कम उनको यहाँ पे रखकर उनके उनके खाने पीने का प्रबंध भी देख रहे हैं। कोई आदमी जम्मू कश्मीर में भूखा नहीं सोने दिया जा रहा रात को, और कहीं पर भी हमारे कोई भी ऐसे लोग जो हैं जो रास्ते में फंसते हैं, हम उनके लिए भी करते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि लोग पैदल चलना शुरू हो जाए, हम उनको भी डिस्करेज नहीं कर रहे, बल्कि हम उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए गाड़ियाँ अरेंज की जाएंगी, लेकिन हमें एक सिस्टम के साथ चलो।